हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आज का मार्केट किस तरह से रहा, कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, कौन से स्टॉक्स होंगे जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस कल दिखा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो गाइस कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई हमारा एंजल ब्रोकिंग अप स्टॉक्स एंड अलाइस ब्लू में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी मिलता है। आप चाहो तो हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा के हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी चीज़ों को समझेंगे, और बैंक निफ्टी हमारे सामने नज़र आ रहा है कि 36,000 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है जो कि शानदार है, ज़बरदस्त है और काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस है। अगर देखें तो आज हमें एक स्पॉट में बड़ा लंबा नीचे का विक देखने को मिला, एक स्पाइक देखने को मिला, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गया और हमने काफ़ी बढ़िया काम किया, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट वगैरह बुक किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट सीधा नीचे स्लाइड किया काफ़ी तेज़ी के साथ, और नीचे हमें 800 के आसपास फिर से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया। अगर आप देखोगे तो 800 के आसपास से सपोर्ट लिया है इसने और फिर से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बैंक निफ्टी में, बहुत ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज हमने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बुक किया। चाहे आप निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे कहीं हमने बाइंग भी किया, इस लेवल के क्रॉस होते ही हमने बाइंग भी किया और फिर इस लेवल के ही क्रॉस होते ही हमने सेलिंग भी किया, तो हमें सेलिंग और बाइंग साइड में बढ़िया प्रॉफिट मिला। फिर अगेन हमने इस लेवल के तकरीबन क्रॉस होते ही बाइंग किया, तो तीन बार हमने ट्रेड लिया लाइव सेशन में, आपको पता होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे निफ्टी की, तो मैं निफ्टी में अगर बात करूँ, निफ्टी में भी हमने एक ट्रेड लिया। हमने निफ्टी में ट्रेड कहाँ पे लिया, 270 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ निफ्टी में, 270 के नीचे हमने शॉर्ट किया निफ्टी को, और काफ़ी शानदार हमें यहाँ पे तेज़ी मतलब गिरावट देखने को मिली, हमारे पुट में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, तो बहुत बढ़िया रहा हमारा निफ्टी में भी आज कॉल। टाटा स्टील में हमने ट्रेड लिया, आपको पता है टाटा स्टील भी शानदार रहा। बजाज फाइनेंस हमारा हमने लास्ट डे दिया था, वो भी शानदार रहा। आज का मार्केट हमारा काफ़ी बढ़िया रहा, सारे ही स्टॉक्स हिट हुए। अगर हम निफ्टी में देखेंगे अभी कल निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मार्केट जो है लगातार एक रेंज में रुकी हुई है। यहाँ पे मार्केट थोड़े टाइम ऊपर रहना भी चाहे, एक राउंडिंग टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गई, एंड लगातार यहाँ पर एक देखिए हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। अभी मार्केट को चाहिए क्या कि इस रेंज के नीचे 200 के नीचे सस्टेन करे मार्केट। अगर 16,200 के नीचे सस्टेन करती है तो हमें एक फ्रेश शॉट मिलेगा, और फ्रेश शॉट हो सकता है इस गैप को भी कवर करे जो कि 124 तक का लेवल है, यहाँ तक आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। तो कल के डे में कैसा ट्रेड रहेगा, कल के डे में ट्रेड हमारा रहेगा कि जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे आती है भाई थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको नॉइज़ आ रहा है, हमारा बढ़िया माइक ब्लू एटी जो कि हमारा अभी ट्रांजेक्शन में है, मतलब आ रहा है रास्ते में, वो जैसे डिलीवर हो जाएगा आपको सारे नॉइज़ से मिल जाएगा छुटकारा। तो अभी अगर हम देखेंगे कल का डे हमारा किस तरह का रह सकता है, तो कल का डे हम इंतज़ार करेंगे कि अगर निफ्टी 200 रुपीज़ के नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो हमें एक बढ़िया अच्छा खासा नीचे के लेवल पर टारगेट मिलेगा, और सेम अगर ऊपर के लेवल में हम देखें तो 290 तकरीबन 16,290 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर के लेवल का टारगेट मिलेगा। तो बीच में ये क्या करें, बीच में है नो ट्रेडिंग जोन, बट जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग और सपोर्ट के आसपास बाइंग का सिनेरियो देख के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन हमारा बन सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी का दायरा कौन सा बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर जहाँ पर बार बार वो रिजेक्शन ले रहा वो ये दायरा है, इस दायरे में बार बार रिजेक्शन ले रहा, और मैं बाकी के लाइनों को एक बार साइड करना चाहूँगा, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है वो दायरा जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रही है बैंक निफ्टी को, बल्कि यहाँ पे भी हम लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे सही है ना। ये नीचे 700 ऊपर क्या है 36,750 का भी हम अगर एवरेज ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमें बढ़िया ट्रेड इसमें चाहिए, अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा पॉइंट चाहिए, तो एक बार हम कम से कम 36,100 का लेवल क्रॉस होने देंगे। इस लेवल के ऊपर हम बढ़िया अच्छा खासा बाइंग करेंगे जो कि हमारा काफ़ी शानदार प्रॉफिट हो सकता है। 36,500 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और नीचे के लेवल्स में अगर हम देखेंगे जहां पर बार बार सस्टेन कर रहा है 35,700 का लेवल है, वो 35,700 के लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, इस रेंज के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा।
अगर बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊँ आपके सामने, एक बार, एक सेकंड भाई, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिखेगा? थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। हाँ, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन है जो मैंने आज भी बनाया था, और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो इस तरह से बनता हुआ आ रहा है। सॉरी, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। ऊपर को टचअप दे देना थोड़ा सा, टच यहाँ पर मैंने दिया नहीं। हाँ, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का लगातार सपोर्ट लिया था, अभी फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज कर दिया है। तो निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो रही है, बट जो रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या कर सकते हैं, नीचे 700 का अगर वो वेट नहीं कर सकते तो वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर निफ्टी आती है तो भी, बैंक निफ्टी आती है तो भी वो शॉर्ट ले सकते हैं, जो कि 800 का लेवल बनता है। लेकिन बढ़िया ट्रेड जो होगा 700 के नीचे ही बनेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कल चल सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया, तो फिर से हमारा स्टॉक जो होगा वो होगा आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीसी बैंक मैं यहाँ पे लगा लूँगा, यहाँ से मैं लगा लेता हूँ, ये आ गया आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक में आज हमने टेलीग्राम में अपने शॉर्ट दिया था, काफ़ी बढ़िया रहा, बढ़िया प्रॉफिट में रहा। और अभी हम देखेंगे तो आईसीसी बैंक नीचे के लेवल से फिर से ऊपर रिवर्स हुआ है, और एक ये पैटर्न बनाता हुआ निकल रहा है, जो कि डब्ल्यू पैटर्न हम कह सकते हैं, है ना, एक पैटर्न बनाता हुआ निकल रहा है। यहाँ तक आने की उम्मीद है, जो कि बन रहा है कौन सा लेवल, 710 रुपये का लेवल बन रहा है, 710 का लेवल बन रहा है। तो एक बार मार्केट अगर 705 रुपये के ऊपर टिकता है, 705 के ऊपर टिकता है, तो हमें ऊपर का लेवल एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आ जाएगा। नीचे बेचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 695 के नीचे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा रहेगा, स्टॉप लॉस आप मिनिमम और मिनिमम अगर देखेंगे 4 रुपये का ही लगाइएगा, 4 रुपये का स्टॉप लॉस में आपको शानदार यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और स्टॉक्स कौन से हमारे साथ हो सकते हैं, हमारे पास हो सकते हैं टाटा स्टील। टाटा स्टील में आज जबरदस्त प्रॉफिट हमें रहा, और मैं यहाँ पे टाटा स्टील लगाऊंगा। टाटा स्टील को हमने शॉर्ट किया था, एकदम शानदार प्रॉफिट हमें मिला है टाटा स्टील में। और टाटा स्टील में कल क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे ही ऑब्जर्व करेंगे हम। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए लगातार मार्केट क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, एंड ऊपर टिक नहीं पाया, सीधा वहीं से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया। अभी क्या है हमारे पास इस जोन में, हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। ये जोन कौन सा बन रहा है, ये जोन बन रहा है पूरा पूरा 1400 का। तो सीधा है 1400 के बिलो, 1400 के बिलो हम शॉर्ट करेंगे टाटा स्टील को। हमारा एसएल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का होगा, और बाय करने के लिए हमें कम से कम नहीं तो इस जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा, जो कि बन रहा है 1425। 25 के ऊपर हम कम से कम बाय करेंगे, और शॉर्ट हम 1400 के नीचे करेंगे। दोनों साइड में हमारा 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप एज पर योर हंगर आप लगा सकते हो, है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करेंगे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने यहाँ पे लगाया है। ये दूसरा वाला लग गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा बाहर का लग गया ना, ओटीसी काउंटर लग गया। ये हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, कहाँ है ये, एनएससी, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे फॉल हुआ। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर 770 रुपये के ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हमें ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाता है, लेकिन अगर 770 के नीचे एक बार निकलेगा तो फिर थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। तो हम एक बार 770 के नीचे इसको शॉर्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा 770 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो एसएल होगा बिल्कुल छोटा सा 5 रुपये का एसएल लगा के सिर्फ शॉर्ट करेंगे। और अगर वो 5 रुपये का एसएल हमारा यहाँ पर एसएल खाता है तो हम इसमें से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। फिर हम बाय कहाँ करेंगे, हम 780 के अबव बाय करेंगे, 780 के अबव बाय करेंगे। 5 रुपये का ही एसएल होगा हमारा, और 780 के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को आपको मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस जो कि हमारा फेवरेट है स्टॉक, हमेशा हम इसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, ये हमारे बिना रह नहीं पाता, तो बजाज फाइनेंस में ज़रूर ट्रेड होगा हमारा। बजाज फाइनेंस अगर देखें तो हम 6140 के नीचे शॉर्ट है हमारा, 6140 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, और बाय करने के लिए हमें इस लेवल के ऊपर टिकना पड़ेगा कम से कम, जो होगा 6270। 6270 के ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा ही रहेगा, 20 से 22 पॉइंट का, और हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाएगा। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।